गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में। प्यारे अभ्यर्थियों, आप देख रहे हैं जीके क्विज स्पेशल सीरीज की 99वीं क्लास। आपने अभी तक की सभी कक्षाओं में 98th क्लास पूरी कंप्लीट कर ली है। चलिए बिना किसी देरी और विलंब के प्रारंभ करें आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन है आपका द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर या फिर डॉक्टर आत्माराम। और प्यारे भर्तियों, बात करें सही उत्तर की तो प्यारे भर्तियों सही उत्तर होगा आपका देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर आपका बिल्कुल सही होगा। बात करें प्यारे भर्तियों, देखिए ब्रह्म समाज की, तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को आपके राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी प्यारे अभ्यर्थियों, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा समय समय पर जो कुरीतियाँ थी, जो खंडन था, इन सभी के लिए क्या था कि ब्रह्म समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य रहा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो देखिए 1840 में तत्वबोधनी सभा का गठन आपके देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाइए। और अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष या फिर 65 वर्ष। और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा होती है प्यारे अभ्यर्थियों 65 वर्ष, 65 ईयर्स, यानी कि डी ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा 65 वर्ष होती है। जबकि प्यारे अभ्यर्थियों, हमेशा याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की जो अधिकतम आयु सीमा है वो आपकी 62 वर्ष निर्धारित है। यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनकी अधिकतम आयु सीमा प्यारे अभ्यर्थियों 62 वर्ष है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 65 वर्ष है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाएं। हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, सुवर्णरेखा, महानदी, सोन या फिर दामोदर नदी। और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, यानी सुवर्णरेखा नदी। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो हुंडरू जलप्रपात जो कि 98 मीटर ऊंचा है प्यारे अभ्यर्थियों, झारखंड राज्य के रांची जनपद में है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो यह सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो जो सुवर्णरेखा नदी है ये छोटा नागपुर पठार से निकल करके लगभग 610 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। स्वर्ण रेखा नदी जिसके किनारे स्थित है आपका हुंडरू जलप्रपात। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ वर्ष डैश तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है, मतलब किस वर्ष तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है, एमटीएस 2017 में पूछा गया प्यारे अभ्यर्थियों। और सही उत्तर है आपका 2022 प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही होगा। बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सन 2022 तक सभी जिलों में क्या है कि जो आवास प्राप्त करने का मतलब एक लक्ष्य रखा गया था प्यारे अभ्यर्थियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपके जो है तो 5 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थापना की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों, इसकी शुरुआत की गई थी। ये भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा क्या है कि एक संचालित योजना है, ठीक है। तो 2022 तक का प्यारे अभ्यर्थियों लक्ष्य रखा गया था, 2015 से प्रारंभ हुई थी ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के तहत प्यारे अभ्यर्थियों मतलब कि लोहे में जो जंग लगती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण प्यारे अभ्यर्थियों ऐसा होता है। बात करें तो देखिए मतलब कि नमी या जल एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्यारे अभ्यर्थियों जब हम बात करते हैं तो इसमें एक अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या है कि लोहे की वस्तुओं की ऊपरी सतह जो है ये थोड़ा सा भूरे लाल रंग की हो जाती है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो ये जो उसके ऊपर परत जम जाती है, लोहे के ऊपर जो ऐसी परत जम जाती है प्यारे अभ्यर्थियों, ये फेरिक ऑक्साइड की होती है, जिसे Fe2O3 के नाम से जानते हैं। यह जो परत होती है इसे हम जंग लगना कहते हैं, इसे हम जंग कहते हैं, ठीक है।
नमी, जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे के साथ एक रिडॉक्स अभिक्रिया होती है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपरी सतह पर भूरे लाल रंग की एक जो है तो सतह जम जाती है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड यानी कि लोहे की जंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है? मछली का तेल, चीनी, केला या फिर नारियल तेल? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका मछली का तेल। विटामिन ए के लिए प्यारे अभ्यर्थियों मछली का तेल बहुत ही प्रमुख स्रोत है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों विटामिन ई की, तो यह वसा में घुलनशील है, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम महत्वपूर्ण प्यारे अभ्यर्थियों माना गया है। इसका रासायनिक नाम प्यारे अभ्यर्थियों रेटिनॉल है। साथ ही साथ बात करें तो इसके कमी से यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। अन्य स्रोतों की बात करें विटामिन ए में, तो जैसे आपका मछली का तेल हो गया, गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, मटर है, हरी सब्जियाँ हैं, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, ये विटामिन ए के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। क्लियर हो गया। भारत में प्रतिवर्ष गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 21 जनवरी? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर है आपका प्यारे अभ्यर्थियों 22 दिसंबर। यानी कि भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि भारत के महान गणितज्ञ रामानुजम के जन्म दिवस को परिभाषित करता है। रामानुजम का जन्म प्यारे अभ्यर्थियों 22 दिसंबर 1889 को तमिलनाडु के जिले में हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों। संख्या पद्धति में विशेष योगदान माना जाता है रामानुजम का। रामानुजम के जन्म दिवस को ही पूरे भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? UPLDA UDA ने पूछा इसे। देवा बाराबंकी, आला महोबा, कर्मा मथुरा, कजरी मिर्जापुर, कौन सा सही नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों? बात करें तो देखिए देवा, ये प्यारे अभ्यर्थियों बाराबंकी बिल्कुल सही मिलेगा प्यारे अभ्यर्थियों। आला जो गायन है, महोबा प्यारे अभ्यर्थियों, कजरी महोत्सव प्यारे अभ्यर्थियों आपके मिर्जापुर क्षेत्र से, लेकिन कर्मा प्यारे अभ्यर्थियों आपके मथुरा क्षेत्र से नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्यारे अभ्यर्थियों कि कौन सा उत्तर सही है आपका, यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों सही होगा आपका बेटा कर्मा। ठीक है, यहाँ पे सही होगा आपका कर्मा प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। कर्मा लोकगीत का प्यारे अभ्यर्थियों संबंध आपके सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र से है, ना कि आपके मथुरा क्षेत्र से। बाकी जो आपके सभी ऑप्शन हैं ये सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित नहीं है तो कर्मा मथुरा से। ठीक है, कर्मा जो गायन है प्यारे अभ्यर्थियों ये सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र का है। क्लियर हो गया। चलिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1974, 1976, 1980 या फिर 1984? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सही उत्तर है आपका 1976। 1976 को हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों अगर हम बात करें तो देखिए 16 फरवरी 1976 को 1976 का अधिनियम कई बार संशोधित किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, 16 फरवरी 1976 को इसकी स्थापना की गई और 1976 के जो अधिनियम है तो इसको कई बार संशोधित किया प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें कि जो उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, इस लोक सेवा आयोग का गठन आपके 1937 में हुआ। ठीक है, ये लोक सेवा न्यायाधिकरण है। साथ ही साथ बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, UPSC की, तो इसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों 1937 में की गई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष वो श्री संजय श्रीनेत हैं, संजय श्रीनेत। ठीक है, वर्तमान के UPPSC के प्रेसिडेंट। चलिए, भारत में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? सही उत्तर होगा आपका 26 जुलाई। ठीक है, हाल ही में रिसेंटली अभी आपने कल ही देखा है कि कल हमने क्या किया कि 26 जुलाई को क्या है कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान प्यारे अभ्यर्थियों पाकिस्तान पर भारत की हुई अविजित जीत के लिए प्यारे अभ्यर्थियों 26 जुलाई 1999 तक क्या है कि 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान पर जो भारत की एक अविजेय जो एक जीत हुई थी प्यारे अभ्यर्थियों, इसे हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें तो देखिए 8 मई से लेकर के 24 जुलाई 1999 तक चले इस कारगिल वॉर के दौरान प्यारे अभ्यर्थियों क्या था कि पाकिस्तानी सेना ने मुजाहिदीन के वेश में क्या किया था कि भारतीय चौकियों पर क्या है कि घुसपैठ कर दी थी प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ बात करें तो भारत के जो जांबाज जो वीर सिपाही थे, जो जांबाज जो सैनिक थे, इन्होंने इनको खदेड़ करके
भारतीय सेना से बाहर, भारतीय सीमा से बाहर किया था प्यारे अभ्यर्थियों, तब से लेकर के आज तक हम प्रत्येक वर्ष की 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? शिलोंग, आइजोल, कोहिमा या फिर गंगटोक? इसकी बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर की, तो देखिए हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों? तो सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका आइजोल। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, प्यारे अभ्यर्थियों अश्विनी वैष्णव आपके रेल मंत्री भी हैं, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की और साथ ही साथ मिजोरम के आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। अपना रेडियो 90.0 FM आपके मौसम अपडेट संबंधी, सरकारी योजनाओं संबंधी और कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करेगा प्यारे अभ्यर्थियों। तो मिजोरम के आइजोल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, ये था हमारा प्यारे अभ्यर्थियों आज का जीके क्विज कार्यक्रम। कैसा लगा आपको और ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, बेनिफिशियल साबित हो सकता है नहीं, इस पर बात करते रहेंगे प्यारे अभ्यर्थियों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल और उसके साथ आपके जीके क्विज की सीरीज। मिलते हैं कल बिल्कुल इसी समय इसी क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।